अब लोग मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में। मेमोरी मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर के मेमोरी को। असाइनिंग द मेमोरी स्पेस टू द प्रोग्राम टू इम्प्रूव द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। क्या किया जाता है कि मेमोरी को स्पेस को असाइन किया जाता है प्रोग्राम में, जिससे कि सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़े। व्हाई इज मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। अब जानते हैं मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड क्यों है, जरूरी क्यों है। एस वी नो दैट एरे स्टोर द होमोजीनियस डाटा। हम लोग जानते हैं कि एरे होमोजीनियस डाटा स्टोर करता है, जैसे कि होमोजीनियस मतलब एक टाइप का ही डाटा स्टोर करता है। जैसे इंटीजर टाइप का एरे बनाए तो इंटीजर टाइप का ही डाटा रखेगा, अगर फ्लोट टाइप का बनाए तो फ्लोट टाइप का ही वो डाटा रखेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोरी इज एलोकेटेड टू द एरे एट डिक्लेरेशन टाइम। अधिकतर टाइम हमें आवश्यकता पड़ता है कि जब हम एरे बनाते हैं तभी उसका साइज देना पड़ता है, ठीक है। समटाइम द सिचुएशन अराइज व्हेन द एग्जैक्ट मेमोरी इज नॉट डिटरमाइंड अल्टीमेट रन टाइम। कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि कितना डाटा आता आ रहा है अगर रन टाइम पे ले रहे हैं। टू अवॉइड सच ए सिचुएशन वी डिक्लेयर एन एरे विद द मैक्सिमम साइज। और ऐसे कंडीशन में हमें नहीं पता है कितना डाटा आ रहा है तो हम ज़्यादा बड़ा साइज का हम लोग बना देते हैं एरे, उस एरे का साइज दे देते हैं और जितना डाटा आएगा उसमें डालते जाएंगे। बट सम मेमोरी विल बी अनयूज। कई बार क्या होता है कि अगर हमने कोई बड़ा साइज का एरे का साइज दे दिया और रन टाइम पर डाटा ले रहे हैं और यूजर ने कम ही डाटा डाला, तो कम डाटा डाला हमारा एरे का साइज बड़ा है तो उतना मेमोरी तो हमारा अनयूज ही ना हुआ। टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी वी यूज द न्यू ऑपरेटर टू एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली एट द रन टाइम। और ऐसे सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग न्यू ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर सके रन टाइम पे। रन टाइम मतलब जब प्रोग्राम चला, जब हमने कंपाइल किया, रन हुआ, उसी टाइम उसका साइज डिफाइंड होगा। अब जानते हैं मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर के बारे में। इन सी लैंग्वेज वी यूज द मैलोक और कैलोक फंक्शन टू एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली एट रन टाइम। हम लोग सी लैंग्वेज में मैलोक और कैलोक फंक्शन का उपयोग करते थे डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करने में। एंड फ्री फंक्शन इज यूज टू डीलोकेट द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। और फ्री फंक्शन की मदद से जो हमने मेमोरी एलोकेट किया था अब उसका काम नहीं हुआ है, डीलोकेट करना मतलब उसे डिलीट करना है, तो हम लोग फ्री फंक्शन का उपयोग करते हैं। सी प्लस प्लस ऑल्सो सपोर्ट दीज फंक्शन। जितना भी जो सी में मैलोक कैलोक फ्री है ना, इन तीनों को सी प्लस सपोर्ट करता है। बट सी प्लस प्लस ऑल्सो डिफाइन अनरे ऑपरेटर सच एस न्यू एंड डिलीट टू परफॉर्म द सेम टास्क दैट इज एलोकेटिंग एंड फ्रेजिंग द मेमोरी। पर सी प्लस प्लस में क्या होता है, दो हमें अनरे ऑपरेटर है जो न्यू और डिलीट, न्यू की मदद से हमारा मेमोरी एलोकेट होता है और डिलीट की मदद से मेमोरी जो काम हो गया है उसको यूज नहीं है तो उसको डिलीट किया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं न्यू ऑपरेटर के बारे में। यूजिंग द सी प्लस प्लस न्यू ऑपरेटर वी कैन एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। हम लोग सी प्लस प्लस में न्यू ऑपरेटर का उपयोग करके एलोकेट करते हैं मेमोरी को रन टाइम पे। द न्यू ऑपरेटर इन सी प्लस इज यूज फॉर द डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। इट इज एलोकेटेड टू एलोकेट द मेमोरी एट रन टाइम ऑन हीप मेमोरी। न्यू ऑपरेटर क्या करता है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है और यह रन टाइम पर हीप पे मेमोरी को एलोकेट करेगा। सिंटेक्स जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू की मदद से अगर हम लोग बनाएंगे कोई भी एरे बनाए या वेरिएबल बनाए तो वो हमें क्या करेगा, एक एड्रेस रिटर्न करेगा, और एड्रेस हम लोग पॉइंटर में स्टोर करते हैं। पॉइंटर क्या करता है कि एड्रेस को स्टोर करता है। सिंटेक्स है, सबसे पहले एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो सबसे पहले जिस भी डाटा टाइप का आपको पॉइंटर बनाना है, ठीक है, तो उसका डाटा टाइप लिखें, फिर स्ट्रिंग का सिंबल दें और पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब जो पॉइंटर वेरिएबल बना, पॉइंटर वेरिएबल लिखेंगे इक्वल टू करेंगे फिर न्यू लिखेंगे, और किस डाटा टाइप का आपको डायनेमिकली वेरिएबल बनाना है तो वो आपको लिख देना है। यहाँ पे इंटीजर टाइप का पॉइंट वेयर नाम का वेरिएबल बनाया गया जो कि एक पॉइंटर है। पॉइंट वेयर एक पॉइंटर है, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप का है। इस पॉइंट वेयर जो है पॉइंटर, इसको लिखेंगे इक्वल टू करेंगे न्यू लिखेंगे, और किस टाइप का हमें मेमोरी एलोकेट करना है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करना है तो न्यू लिखूंगा फिर इंट लिख दूंगा तो डायनेमिकली हमें इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेट कर देगा।
अगर इसमें वैल्यू असाइन करना है तो इसी पॉइंट वेरिएबल को पकड़ेंगे, उसके पहले स्ट्रिंग का सिंबल लगाएंगे और जो भी पॉइंट वेरिएबल है उसका नाम इक्वल टू उसमें जो भी डाटा डालना रहेगा डाल देंगे। अब जानते हैं डायनेमिकली एरे बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, उससे पहले उसका डाटा टाइप लिखेंगे, फिर पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल का फिर नाम लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे न्यू, फिर डाटा टाइप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में उसका साइज पास करेंगे। साइज आप रन टाइम पर यूजर से मांग सकते हैं। एक नोट में ध्यान रखिएगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन कैन मेक मेमोरी मैनेजमेंट मोर इफिशियंट स्पेशली फॉर एरे वेयर अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू डोंट नो द साइज ऑफ द एरे अंटिल द रन टाइम। देखिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन का उपयोग हम लोग अधिकतर एरे के लिए करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल के लिए कम ही करते हैं। एरे के लिए इसलिए करते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं रहता है एरे का साइज कितना डाले, यूजर रन टाइम पर कितना डालेगा, उस जगह पर हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन का उपयोग करते हैं। अब डिलीट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। व्हेन मेमोरी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड देन इट नीड्स टू बी डिलीटेड सो दैट द मेमोरी कैन बी यूज फॉर अनदर पर्पस। अगर कोई मेमोरी हमने एलोकेट किया उसका अभी आवश्यकता नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं डिलोकेट करते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाई यूजिंग द डिलीट ऑपरेटर। और इसको करने के लिए हम लोग डिलीट ऑपरेटर की मदद से उसको मेमोरी को डिलोकेट यानी डिलीट करते हैं। मेमोरी अगर हमने कोई एलोकेट किया अब उसका आवश्यकता नहीं है तो हम लोग चाहेंगे वो मेमोरी फ्री हो जाए, कोई और काम में वो मेमोरी यूज हो। सिंटेक्स है, डिलीट पहले लिखेंगे और फिर वो पॉइंटर वेरिएबल बनाए थे ना उसका नाम लिख देंगे तो वो मेमोरी जो पॉइंटर वेरिएबल जो था डिलोकेट हो जाएगा। एरे के लिए सिंटेक्स है, डिलीट लिखेंगे फिर ब्रैकेट लिखेंगे फिर इसके बाद स्पेस देकर उस पॉइंटर वेरिएबल का हम लोग नाम दे देंगे तो जो भी हमारा डायनेमिकली एरे बना होगा वो डिलीट हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, नहीं फाइल नहीं बना तो इसी कोड को बस ये दो लाइन तो हटाना है। देखिए बेसिक सी प्लस प्लस का कोड है, इतना तो लिखने सबको आता है, ठीक है। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ये बेसिक सी प्लस प्लस का कोड है। अब क्या करता हूँ यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा तो मैं लिखता हूँ इंट स्टार पी टी आर, तो पी टी आर नाम का इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बन गया। एक और बना लेता हूँ वेरिएबल जो पॉइंटर रहेगा फ्लोट टाइप का बनाऊंगा, फ्लोट स्टार एफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया फ्लोट टाइप का हमें एक एफ नाम का पॉइंटर बन गया। अगर अब इसमें हमें क्या करना है एक डायनेमिकली हमको वेरिएबल बनाना है तो क्या करूँगा पॉइंटर वेरिएबल को पकड़ूंगा जो पी टी आर जो कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, इक्वल टू करूंगा न्यू, अभी इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग इंटीजर टाइप का ही डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे तो न्यू इंट लिखूंगा तो एक नया इंटीजर डायनेमिकली बन जाएगा वेरिएबल, ठीक है। और फ्लोट है यहाँ पे तो फ्लोट टाइप के लिए बनाने के लिए इस फ्लोट वाले पॉइंटर पकड़ूंगा एफ, इक्वल करूंगा न्यू फ्लोट लिखूंगा तो ये डायनेमिकली फ्लोट वेरिएबल बना देगा। अब इसके अंदर हमें डाटा डालना होगा तो स्टार का सिंबल लगाएंगे, किसमें डालना है पीटीआर में लगाना डालना है ना, तो पीटीआर क्या है इंटीजर टाइप का है तो इसमें डाल सकते हो 25 डाल दिया। और फिर फ्लोट टाइप के पॉइंटर में डाटा डालना है तो स्टार लगाऊंगा एफ करूंगा, इक्वल टू कर दूंगा 2.5, फ्लोट टाइप का है तो लास्ट में एफ लगाना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि ये फ्लोट है, और सी आउट करूंगा और दोनों को प्रिंट कर दूंगा। स्टार का सिंबल लगाऊंगा, पहले पी टी आर को प्रिंट किया, ठीक है, और लास्ट में इंड लगा दूंगा नए लाइन के लिए, फिर सी आउट करूंगा फिर एफ को प्रिंट करूंगा जो कि फ्लोट टाइप का जो डाटा टाइप है जो डायनेमिकली बना उसको प्रिंट करेगा, लास्ट में एंडर लगाऊंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें आउटपुट आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा कोड चला है, दोनों हमें आउटपुट मिल गया। अब इसके बाद हमें ये जो दोनों वेरिएबल जो बनाए थे डायनेमिकली यहाँ पे अब इनका हमें आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करूँगा डिलीट लिखूँगा डी एल ई टी डिलीट, और इस वेरिएबल का नाम यहीं पर ना डायनेमिकली बना था, ठीक है, पी टी आर वाला को डिलीट कर दूंगा और फ्लोट वाले को भी डिलीट करूंगा जिसका नाम है एफ, ठीक है, यही पर डायनेमिक के लिए बनाया था ना तो इन दोनों का मैं नाम लिख दूंगा विदाउट एस्टरिस्क सिंबल के साथ, सेव करूंगा और रन करूंगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा वही दोनों कोड को डिलीट करने के बाद प्रिंट करना चाहूंगा, अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा
तो हमें आउटपुट में देखिए गार्बेज वैल्यू आ गया, इधर देखिए गार्बेज वैल्यू आ रहा है क्योंकि वो हमें डीलोकेट हो चुका है। देखिए बार बार गार्बेज वैल्यू आ रहा है। अब ये कोड हटाता हूँ, ये सारे कोड, ठीक है। अब यहीं पे लिखता हूँ इंट साइज लिखूंगा और एक एरे बनाऊंगा इंटीजर टाइप का ही, डायनेमिकली एरे। इंट लगाऊंगा, अस्टिक का सिंबल ARR, मतलब कि ये क्या हुआ, इंटीजर टाइप का एरे नाम का पॉइंटर बना। न्यू लिखूंगा, फिर INT लिखूंगा, तो न्यू इंटीजर बना। और इसमें अगर मैं पास कर दूंगा साइज, ठीक है, तो इसमें क्या किया है हमने, ARR नाम का एक इंटीजर टाइप का हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया, इक्वल टू की है न्यू इंट, और इसमें अंदर साइज पास कर दिए हैं, ठीक है। साइज क्या करेंगे हम, यूजर से लेंगे, ये हमारा एरे बन जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे सी आउट इंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है। यूजर से हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे कि एरे का तुम साइज डालो। फिर इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, और कहाँ तक चलाना है इस कंडीशन को, तो साइज तक, जितना साइज देगा वहीं तक इसको चलाना है, कंडीशन को चेक करना है। फिर इसके बाद डाटा डालना है इस एरे में ना, इसको मैं कट करता हूँ। सी इन के मदद से डाटा डालूंगा, इस एरे का नाम जो कि ARR है, और फिर इसके अंदर आई पास कर दूंगा। आई पास कर दूंगा मतलब आई ये इंडेक्स से डिनोट करेगा। फर्स्ट बार 0 इंडेक्स रहा है तो 0 इंडेक्स पर जो भी डाटा डालेगा तो 0 इंडेक्स पर चला जाएगा। आई जब 1 होगा तो यहाँ पे एरे और यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1 इंडेक्स पर जो भी डाटा रहेगा उसके अंदर चला जाएगा। अब मैं सी आउट कर दूंगा योर डाटा इज, ठीक है, और यहाँ पे इंडेल लगा दूंगा। और क्या करना है, बस यही फॉर लूप को यहाँ से कॉपी कर लेना है, पेस्ट करूंगा, बस एक लाइन इसको चेंज करना है। सी इन की मदद से हमने डाटा लिया था और सी आउट की मदद से हम लोग प्रिंट करेंगे, बस एरे लिखेंगे और उसके अंदर आई इंडेक्स पास कर दूंगा। तो जिस जिस इंडेक्स होगा, आप शुरू में 0 इंडेक्स को प्रिंट करेगा, फिर 1, तो आई पर डिपेंड करता है। ये कैसे फॉर लूप काम करता है मैंने बताया था एरे के साथ, फॉर लूप वाले में वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो ये हमें दिख जाएगा डाटा। पर हमें जब इस सब का काम हो जाएगा तो हमें इस एरे का आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग डिलीट लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट का सिंबल लगाएंगे और इस एरे का नाम दे देंगे जो कि है ARR नाम है। फिर सेम कॉलन लगाऊंगा, अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा। यहाँ पे इंटर साइज ऑफ एरे 2 डालूंगा, 2 वहाँ नहीं, यहाँ पर डालूंगा, 2 डाला। अब क्या कर रहा है कि अब बोल रहा है कि इसके अंदर डाटा डालो, तो मैं डालता हूँ 12 15। इसके अंदर एक और मैसेज मैं प्रिंट कर देता ना, सही रहता, 13। ये देखिए डाटा ले ही जा रहा है, डाटा पे डाटा ले रहा है। हम लोग से गड़बड़ हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंटर साइज ऑफ एरे लिखे, तो जो साइज ऑफ एरे है तो डालेगा, तो हम लोग इस साइज में, साइज हम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे तभी तो इसमें आएगा। तो यहीं पर हमें एक मिस्टेक हुआ, सी ई, फिर यहाँ पे लिखूंगा साइज। यहाँ पर सबसे पहले ए लाइन प्रिंट होगा, इंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है। साइज ऑफ एरे प्रिंट होगा तो यूजर ने डाला साइज, साइज को हमने स्टोर ही नहीं किया था। सी इन मदद से हमने साइज नाम का जो वेरिएबल बनाए हैं इसमें स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। और इस सब जगह जितना साइज का वैल्यू होगा वही तक कंडीशन चेक करना था ना, इसीलिए हमें डायरेक्ट डाटा ले ही जा रहा था। ये देखिए यही हमारा कोड था। कई बार क्या होता है ना, एरर आने लगे ना, तो एक बार अपने जो VS कोड या जिस भी IDE को यूज कर रहे हैं इसको कट कर कर फिर से कोड को रन कीजिएगा तो प्रॉपर काम करने लगेगा। बस हम लोग यही छूट रहा था, सी इन की मदद से डाटा को स्टोर नहीं कर पा रहे थे जितना एरे का साइज डालेगा। फिर इसी साइज के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे, मतलब इसका कंडीशन चेक कर पा रहे थे कहाँ तक लूप चलाना है। अब मैं इसको सेव करूँगा और रन करूँगा, सबसे पहले एक कोड चलेगा इंटर एरे साइज, तो पूछेगा कितना साइज डालना है, ठीक है। रन करता हूँ तो पूछे इंटर एरे साइज 2 डालना, ठीक है, इंटर करूँगा। अब बोल ए फोर लूप चलेगा इसके थ्रू और इसके अंदर डाटा डालाएगा, मैं डाला 10, फिर डाला 20। तो फिर इसके बाद ए फोर लूप को सा डाटा लिया, फिर इंटर डाटा इज यहाँ पे एक कोड चला, फिर फोर लूप के मदद से जो डाटा लिया था ना वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और डिलीट के मदद से यहाँ पे देखिएगा जो हमने एरे बनाया था इसके कोड के बाद हमें आवश्यकता है नहीं, तो हमने लास्ट में एरे को डिलीट कर दिया, मेमोरी को हमने फ्री कर दिया।